स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेरणा देने वाली एक बहुत ही मशहूर कविता है, वो कविता यूं है कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रशिका, हमने किसके लिए कविता कही? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है विराट कोहली की तरफ इशारा है आपका, क्योंकि अब तक तो उनका सौभाग्य शायद सो रहा था, लेकिन अब थोड़ा जागा है तो लेकिन अब सामने शेर हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की, जो बैंगलोर में खेला जाएगा आज। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, चेन्नई पिछला मैच हार के आई, बैंगलोर पिछला मैच जीत के आई, चेन्नई बहुत सेफ जगह पर है और एमएस धोनी की वापसी होगी। पिछले मैच में एमएस धोनी नहीं खेले थे, जहां तक मुझे लग रहा है वापसी होगी। विराट कोहली पूरी तैयारी में आएंगे, लेकिन एमएस धोनी के दिमाग के आगे थोड़ा सब फीके रह जाते हैं कप्तान। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे धोनी साहब ही धुरंधर रहेंगे, विराट का भी दिन आएगा, और विराट का दिन पिछले मैच में आ गया, कोलकाता के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी, वक्त आ गया, टाइम आ गया, हमारा भी टाइम आ गया, कोलकाता के खिलाफ आ गया, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, और उस मैच में जबकि उनके डिविलियर्स भी नहीं थे, उस मैच को उन्होंने जीत लिया। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि विराट ने 100 भले ही बनाया था, बट टीम ऑलमोस्ट पहुंच गई थी जहां से हार सकती थी वो मैच। वो सब कुछ ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, वो जीत गए ना, तो और देखिए ना, मतलब जो तीर निशाने पे नहीं लग रहे थे, वो तीर भी निशाने पे लगने लगे। कल के मैच के हीरो थे अगर देखा जाए तो मोइन अली, वो मोइन अली जो इस टूर्नामेंट में बिग फ्लॉप्स में उनके लिए थे। और ये कहते हुए भी ये बात कि बेंगलोर एक तो अपने घर पे खेलेगा, वही बात जो हम हैदराबाद के लिए कह रहे थे, दूसरी बात कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, बेधड़क आप होते हो, खुल्लम खेला। एक और कहावत सुनते आया हूँ मैं बचपन से, खुल्ला खेल फरुखाबादी। आई डोंट नो कि फरुखाबाद के लोग खुल्ला खेल खेलते हैं क्या है, लेकिन अब तो विराट की टीम के लिए तो खुल्ला खेल है, बस खेलो, जीतो, राज करो। और अच्छा भी, अगर विराट कोहली को पता है कि बैंगलोर प्लेऑफ में नहीं जा सकती है, मान भी लीजिए, तो विराट कोहली अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, वैसे भी मतलब दोनों टीमों के लिए कुछ भी बहुत बड़ा दांव पे नहीं है। बैंगलोर हार भी गया तो ठीक है, एक और मैच हार गया, उनको तो वैसे भी विदाई होनी है। और चेन्नई जीत गया तो हाँ, चेन्नई अगर जीत गया तो प्ले ऑफ की दहलीज तक कदम उनके पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट प्ले ऑफ श्योर हो जाएगा। लेकिन चेन्नई के पास प्ले ऑफ तो अभी भी श्योर है। चेन्नई अभी बहुत सारे मैच है, उनको दो मैच जीतेंगे तो भी वो एक तरह से टॉप टू में होंगे। अभी उनके पास 14 अंक है, दो मैच और जीत लिए तो 18 अंक हो जाएंगे। 18 अंक वाली टीम इस टूर्नामेंट में जो हमारा पिछला अनुभव रहा है, वो टॉप टू में ही फिनिश करती है, तो उनके पास भी कोई खोने के नहीं। इसलिए ये पैसा वसूल मैच होगा हर किसी के लिए, अगर आप देखें कि आप इसमें क्वालिटी क्रिकेट आपको देखेगा। एक तरफ वो टीम है जिसके पास डर नहीं है, दूसरी तरफ वो टीम है जिसके पास भी डर नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हाँ, लेकिन बात वही है कि एमएस धोनी आपको लगता है वापस आएंगे? जैसा कि आपने कहा कि शुरू में ही कि एमएस धोनी वापस आएंगे, इनफैक्ट सारी निगाहें उधर ही होंगी कि धोनी आते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं। चेन्नई क्या है, अगर गौर से देखा जाए, चेन्नई एक तिलस्म है, और उसको तिलस्मी बनाया किसने? वो धोनी ने बनाया। छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के वो ऐसी इमारत खड़ा कर देते हैं कि फिर आके देखने वालों को ताजमहल जैसा लगता है। चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत है उनकी टीम, उनका कोर ग्रुप। एग्जैक्टली। जो एमएस धोनी अपने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाते आए हैं। बैंगलोर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है शायद, एक्सपेरिमेंट, ऊपर नीचे कौन कहाँ कब, हर मैच में कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही है बैंगलोर। पिछले मैच में एबी डिविलियर्स भी नहीं थे, उनकी भी थोड़ी सी इंजरी थी, जो उनको बॉल लग गई थी शायद, मुझे लगता है बुमराह की, उस वजह से ही वो नहीं खेले थे पिछला मैच। जी, जैसे तो बिल्कुल। लेकिन हम चेन्नई की बात को पूरा करते हुए जाएंगे कि चेन्नई को तिलस्मी बनाया उनके कप्तान ने, वो तमाम छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के वो ऐसी मजबूत चेन बनाते हैं जो टूटती नहीं है, लेकिन वो चेन टूटी, और चेन टूटी और उस मैच में टूटी जिसमें धोनी नहीं थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर धोनी का होना और धोनी का ना होना बहुत बड़ा फासला, बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। अगर धोनी खेलते हैं तो फिर विराट को अपने पंजों पे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक एक खिलाड़ी के लिए चार चार प्लान होता है धोनी के पास, और विराट हमारे जो जीनियस बैट्समैन है वो सिंगल ट्रैक माइंड के शख्स हैं, एक प्लान लेके चलते हैं,
कामयाब हुआ तो कामयाब, नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं. लेकिन अब तो उनके पास वैसे भी एक ही ट्रैक वाला प्रोग्राम है भी. खेलेंगे खुला खेल, हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे. बस एक नसीहत है उनके लिए. सोचिए, गेस कीजिए क्या होगी नसीहत विराट कोहली के लिए. हाँ. शायद यही कि कोई प्रेशर लेकर ना आए अपने ऊपर. No. या कि भैया सब कुछ कर लो. हाँ. सिराज अहमद को मत खिलाओ. अच्छा. आप गुजारिश कह लो, रिक्वेस्ट कर लो, नसीहत कह लो, लेकिन आप सिराज को मत खिलाओ. हाँ. वो बेचारा, मतलब वो बच्चे की जान लोगे क्या? अगर सिराज को नहीं खिलाते तो किसको खिलाए? बच्चे की जान लोगे, आप किसी को भी खिला लो यार. जो 16 17 18 खिलाड़ियों का बेंच स्ट्रेंथ होता है, वो बेचारे को तो ना तो विकेट मिलते हैं, ऊपर से इतना लूटता पिटता है कि चौके और बाकी ब्लंडर जो और कर देते हैं फील्डिंग के बाद, उसके बाद वो फील्डिंग करते हुए कहीं चौके इधर से निकल गए, कभी टांगों के बीच बीमर मार देते हैं, कभी कैच निकल गया. और वो विमर कांड कोलकाता के खिलाफ हुआ था, उस विमर कांड ने तो उनको मैच हरा दिया था. शायद वो मैच बैंगलोर अगर जीत गया होता तो उसके बाद उनका टर्न अराउंड हो सकता था उस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में. लेकिन प्लीज अब उनको थोड़ा राहत. अच्छा सर, मोइन अली, आपने बोला कि पिछले बैंगलोर के मैच में वो हीरो रहे, जो अब तक मतलब फ्लॉप कह ले या नहीं चल रहे थे एक तरीके से, आपके हिसाब से उनको नंबर 6 या आपने कहा था कहीं भी बैट करा दो मोइन अली को, अब आप मोइन अली को कहाँ बैट करवाएंगे? जिस नंबर पे पिछले मैच में खेले आपको उनको वहीं पे खिलाएंगे? 4 नंबर. बिल्कुल, 4 नंबर पे उनको ठीक है. आप ऊपर के, आप विराट कोहली हैं, पार्थिव पटेल हैं, पार्थिव पटेल को आप नीचे डाल ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो गेम नहीं है. पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में उनके पास वो गेम है कि चौके चौके लगा के वो क्लियर कर लेते हैं, फील्ड को क्लियर करके आपको अच्छा स्टार्ट दे देते हैं. बाकी जिनको नीचे करेंगे ना तो उनके लिए मुश्किल है. मोइन अली वहाँ पे खेलेंगे, मैं बार बार हमेशा कहता रहा हूँ कि मोइन अली को 4 नंबर, लोग कहते हैं कि उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना है, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कहीं भी खेल सकते हैं, मोइन अली के पास वो गेम रहा है. दिक्कत ये रही है कि मोइन अली शायद उन सिचुएशन में आया जब उन पर बहुत प्रेशर था, शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए थे. लेकिन अगर किसी के ऊपर से बेखौफी, खौफ का ढक्कन हटा है, बेखौफी आई है, तो वो तो मोइन अली दिखे. वो ना सिर्फ कल तबाही मचा दी थी उन्होंने उस मैच में, कुलदीप को लूट ले गए और मैच का नक्शा ही पलट दिया, बल्कि जिस ढंग से वो विराट के साथ हथेलियों से हथेलियां मिला रहे थे और जो उनकी आंखें कह रही थी कि मैं हूँ, अब डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, तो होता भी यही है. यही सेम चीज डेल स्टेन ने कही होगी कि मैं हूँ, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ. मतलब उनकी क्या वापसी हुई, ड्रीम जिसे कहते हैं, आईपीएल में इतने सालों बाद वो आए. उन्हें पता था कि आरसीबी की हालत क्या है इस वक्त, सारी निगाहें उन पर होंगी, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, मतलब फैंस की, टीम की, हर कुछ की, मतलब सब कुछ डेल स्टेन पे था उस दिन. और उन्होंने वापसी की, 2 विकेट्स निकाले और क्या कॉन्फिडेंस दिखा उनका. कॉन्फिडेंस तो दिखा, राज का कॉन्फिडेंस दिखना लाजमी भी है क्योंकि वो सीजन ऑपरेटर है. वो इतने इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, दुनिया में कभी उनका खौफ था, जलवा था. लेकिन इस मैच को देखें, जो पिछला मैच था उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए लेकिन महंगे भी रहे. कुछ 40 सेकंड मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी दिए हैं. बॉलिंग अभी भी एक वरी है बेंगलोर के लिए. लेकिन इस मैच में वही है कि धोनी भी यही मान के आएंगे, अगर वो आते हैं या फिर रैना आते हैं तो रैना, कि अब इस टीम की बॉलिंग पे मत जाइए, बैटिंग पे मत जाइए, ये इस बात पे भी मत जाइए कि वो कितने कैचे छोड़ते हैं. आपको पाना है और इनको कुछ खोना नहीं है, बेंगलोर को कुछ खोना नहीं है. हाँ, आपको पाना है कि आप प्ले ऑफ का टिकट पक्का कर पाए. तो जिसको पाना होता है उसके पास थोड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत पड़ती है. तो आपको लगता है बैंगलोर का घर पे खेलने का कोई फायदा उठा पाएंगे वो अपना, या फिर एमएस धोनी का दिमाग वहाँ भी Somehow, बेंगलोर को कभी भी अपने घर पे खेलने का कोई फायदा नहीं रहा, नहीं रहा है ओवर द इयर्स. आप देखें रन्स लेकिन बहुत बनेंगे सर इस मैच में. बिल्कुल, एक तो विकेट वहाँ कितनी ट्रू और अच्छी है कि वहाँ पे मैदान भी चुका है, ट्रू बाउंस है. अगर बॉल आप गेंदबाजी ने अगर हाफ पिच पड़ गया तो उसको पता है कि आपको ऊपर उठ के आएगी. ये नहीं कि अनएक्सपेक्टेड कि उसने गुड लेंथ से गेंद डाली और वो आपके जबड़े तक आई या बहुत सुरी रह गए, नीचे रह गए. तो एक तो ट्रू बाउंस है, ग्राउंड छोटा है, बार बार वो बात होती है कि हवा पतली है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ रन तो बरसेंगे. और जबकि कप्तान फॉर्म में आ गए, हिंदुस्तान के कप्तान, तो अच्छा होगी वर्ल्ड कप के पहले इस तरह की कुछ और पारियाँ खेल जाए,
झनाकेदार। और कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या कहेंगे? बहुत नीचे नंबर पे आते हैं, बैंगलोर में शायद उनको बैटिंग करने की जरूरत, लेकिन फंसे हुए मैच अपनी टीम के लिए धोनी ही निकाल के वही जिता है। अगर आप देखें अपनी कैप्टेंसी और अपने बल्ले से, जब वो नहीं रहे तो नहीं रहे, नहीं रहे तो फिर पता चला कि कौन सी बड़ी तोप आपसे विड्रॉ कर ली गई है, वो नहीं है चोट की वजह से। बिल्कुल वो है जरूर, लेकिन इस बैंगलोर की पिच पे जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद उनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत ना पड़े। ये मैच बल्ले से ही जीता जाएगा और बल्ले से भी टॉप ऑर्डर ही जिताएगा। फैंस भी चाहेंगे कि एमएस धोनी भी एक ऐसी पारी खेल जाए। उधर हाँ, क्योंकि इसमें गेंदबाजों का, यहाँ इसकी पिच पे गेंदबाजों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला नहीं। चलिए, तो इन्हीं दोनों टीमों के साथ आईपीएल का आगाज हुआ था, जिसमें बैंगलोर के लिए तो बहुत ही मतलब बुरी शुरुआत हम कह लें चेन्नई, बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि बैंगलोर अपने घर पे है चेन्नई के खिलाफ, तो उम्मीद करेंगे कि बैंगलोर इसका फायदा उठा पाए, लेकिन सामने महेंद्र सिंह धोनी जब हो तो कोई कुछ कह नहीं सकता और उनको रीड करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को और मैच एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हमें देखने को मिले। थैंक यू।